हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द देसी टेबल। आज हम बनाने वाले हैं मूंग डोसा। चलो तो अब हम इसे बनाना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे हमने लिया है 1 कप मूंग, 1/2 कप राइस। अब हम इसमें पानी डालकर इसे अच्छे से वॉश कर लेंगे। अब हम वॉश किया हुआ पानी निकालकर इसमें फ्रेश पानी डालेंगे और इसे पूरी रात भिगो के रख देंगे। हमारे मूंग और राइस अच्छे से भीग गए हैं। अब हम इसे मिक्सर जार में ट्रांसफर कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे स्वादानुसार हरी मिर्च, अदरक, लहसुन, नींबू का रस और धनिया। अब इसमें पानी डालकर इसका स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। अब इसे एक बर्तन में ट्रांसफर कर लेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे नमक और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमें बैटर को ज़्यादा पतला नहीं करना है और हमारा बैटर डोसा बनाने के लिए रेडी है। हमने यहाँ पे पहले ही तवा गरम कर लिया है। अब हम इसे स्प्रेड कर लेंगे। ऊपर से हम डालेंगे जीरा पाउडर, कटा हुआ प्याज। इसे अच्छे से प्रेस कर लेंगे। देखिए फ्रेंड, हमारा डोसा अच्छे से रोस्ट हो गया है। फ्रेंड्स, हमारा डोसा बहुत ही क्रिस्पी बनकर आया है और अब ये नारियल की चटनी के साथ गर्मा गर्म सर्व करने के लिए रेडी है। मूंग डोसा नारियल की चटनी के साथ बहुत ही टेस्टी लगता है। आप भी इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। बाय बाय फ्रेंड्स।